क्वेश्चन नंबर 11 है, इन एन एग्जामिनेशन 49% स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश, 49% इंग्लिश में फेल हुए, 36% फेल्ड इन हिंदी, वाइल 15% फेल्ड इन बोथ। देखो ये सारी बातें फेल वालों की हो रही है ना, तो टोटल फेल हो जाएंगे। टोटल फेल कैसे निकलेंगे? टोटल परसेंटेज ऑफ फेल स्टूडेंट। कैसे? जो सिंगल सिंगल सब्जेक्ट वाले होते हैं उनको प्लस करना होता है, मतलब ये इंग्लिश वाले थे, ये हिंदी वाले थे, माइनस कर देना होता है जो बोथ वाले थे। बोथ वाले थे 15, 9 और 6 15 में से 5 गए 10, बच गया 1, 4 3 7 और 1 8, 8 में से 1 गया 7, मतलब टोटल जो फेल हुए हैं वो 70% फेल हुए हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इफ टोटल नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट इज 450, देन हाउ मैनी स्टूडेंट डिड अपियर इन द एग्जामिनेशन। कहते कि पास हुए बच्चे 450, मैं कहूँ अगर पास हुए हैं तो कितने हुए हैं जी, 70% फेल हुए हैं, तो 30% पास हुए होंगे, 30% पास हुए हैं, 30% किसका? टोटल बच्चों का। लेकिन वो कहते हैं जी 450 पास हुए हैं, मैं भी कह रही हूँ पास वाला, वो भी कह रहे हैं पास वाले, तो पास वाले दोनों इक्वेट कर देते हैं, 30/100 टोटल इक्वल टू 450, 0 के साथ 0 कैंसिल, 3 के टेबल पे कितने गया, 150 पे, तो 150 को उधर 10 से करा तो कितना हो गया जी, 1500 हो गया, तो ऑप्शन बनेगा हमारा डी ऑप्शन, 1500।